हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट पीएफ का नोटिफिकेशन है उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ के लिए अच्छी न्यूज़ है, कुछ के लिए बैड न्यूज़ है, तो वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि नोटिफिकेशन में क्या है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया, वहाँ से आप जाके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं और अपना अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो नोटिफिकेशन डेट है वो है 11 सितंबर 2021, मतलब आज की ही डेट में। जो सब्जेक्ट है इसका, आधार शेडिंग ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN ऑफ EPF मेंबर फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न ECR टू फैसिलिटी विड्रॉल एंड बेनिफिट। तो इसमें जो आपका जिसमें इन्होंने नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारी लास्ट डेट थी 1 सितंबर 2021 से, दोबारा ये मैंडेटरी होने वाला था, तो इसी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। अभी हम जो अगस्त मंथ की ECR है वो आसानी फाइल कर पा रहे हैं, आधार जो इनके आधार के वैसे अपडेट हैं उनकी भी ECR हम फाइल कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन में जो फर्स्ट लिखा है, यू आर अवर दैट इम्प्लॉइज ज्वाइनिंग EPFO रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट ओन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2017 है आधार शेड्यूल यूनाइज पर नोटिफिकेशन डेट 4 जनवरी 2017 इश्यू बाई सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट 2016। तो जो यून में आधार के वाई सी फैसिलिटी थी वो 1 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट कर दिया गया था। फिर उन्होंने आधार के वाई सी जो मैंडेटरी थी वो कर दिया था 1 अक्टूबर 2017 से। इन्होंने फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी थी इंप्लॉयर और इम्प्लॉय के पोर्टल पे, और उमंग ऐप के माध्यम से आप KYC कर सकते हो। उन्होंने लिखा है, देयरफॉर आफ्टर अलाउिंग सफिशेंट टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 4 ईयर फॉर आधार शेडिंग, EPFO इश्यू इंस्ट्रक्शन डेट 1 जून 2021 सेटेड 1 अबव मैंडेटिंग that UN is to be आधार शेडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू ECR। तो उन्होंने कहा कि हमने 4 साल से आपको लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, नोटिस दिए, लेकिन आपने 4 साल में कोई भी KYC एम्प्लॉय की अपडेट नहीं की, ना एम्प्लॉयर पोर्टल से ना एम्प्लॉयर पोर्टल से। तो इन्होंने फिर 1 जून 2021 से इन्होंने आधार KYC मैंडेटरी कर दिया फॉर फाइलिंग ECR के लिए। तो आपको सभी को पता है कि आधार KYC आज अगर आपका अपडेट नहीं है तो ना तो अब आप PF पासबुक से तो ना क्लेम कर सकते हो, आप आधार KYC के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इसमें ECR फॉर्म जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे 3 पॉइंट्स। तो नाउ दियर कंसिडरिंग द फॉरन इट्स हियर बाई डिसाइड एज एंडर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसिडरिंग टू द लो आधार पेनरेशन द इंडिया EPFO एडमिशन जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कंपेरिजन स्टेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, टाइम फॉर मैंडेटरी शेडिंग ऑफ आधार इन यून फॉर फाइलिंग ECR इज एक्सटेंड टिल 31 दिसंबर 2021। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इन स्टेट को वो जो आधार शेडिंग KYC मैंडेटरी है वो 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गई है, कि वो जो ECR है जिनके नॉन आधार KYC अपडेट है वो 31 दिसंबर 2021 तक वो अपनी ECR फाइल कर सकते हैं। तो सेकेंड जो इनका पॉइंट है ये कि जो रिमोट लोकेशंस होते हैं, जो एरिया जो होती है इंडस्ट्री फ्रीक्वेंसी चार्ज एंड वर्क साइट, द वर्कर्स एंड अदर अटेंड कंस्ट्रक्शन द क्लासेस वेस्टलेशन बीडी मेकिंग होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्लांटेशन इंडस्ट्री, टी कॉफी कार्डून पेपर जूट रबर चिंच और केस। टाइम फॉर मैंडेटरी शेडिंग ऑफ फॉर फाइलिंग ECR इज एक्सटेंड टिल 31 दिसंबर 2021। तो इन इंडस्ट्री को भी टाइम डेट एक्सटेंड 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और बाकी जो रिमोट लोकेशंस होती हैं उनको भी 31 दिसंबर 2021 तक का आधार KYC में जो है ECR एक्सटेंड कर दिया गया। बाकी जो अदर एरिया बचे हैं उनको इन्होंने बोला कि अगस्त और सितंबर में अगर आप ECR फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज आप अगर जो अक्टूबर से ECR फाइल करोगे, अगर आप नॉन आधार KYC की वजह से आपकी ECR डिले होती है और आप उनका चलान जनरेट करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। मतलब आपको इसमें एक्सटेंशन नहीं मिला जो अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ जिस वजह से आप ECR फाइल कर पा रहे हैं। तो मतलब हम अगस्त की ECR आज 10 तारीख हो गई तो आपकी ECR आसानी से आपकी जनरेट हो रही है, बाकी अदरवाइज कि आपकी ECR सितंबर की ECR जनरेट नहीं होगी। मतलब आपके पास सिर्फ 1 महीना और है जिनका आप अपने आधार KYC अपडेट कर दो। तो जो अदर स्टेट जो अदर बाकी जो एरिया बचा है इंडस्ट्रियल उनके लिए कोई रिलेक्शंस नहीं मिला कि आपको आधार KYC मैंडेटरी करना ही, सिर्फ आपको अगस्त और सितंबर का जब ECR फाइल करोगे तो आप उनका इंटरेस्ट और डैमेज नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसे भी आप डिले करते हैं चलान बनाने में तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप यू आर लाइबल टू 14B। दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके लिए अच्छी खबर है, बाकी जो एरिया उनको आधार KYC अपडेट करना मैंडेटरी है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया कि अपने आधार KYC कैसे अपडेट करें और जो नोटिफिकेशन फॉर्म करके कैसे सबमिट करें। जल्दी जल्दी अपने आधार KYC अपडेट कीजिए और इस डैमेज से और अपने जो आधार KYC जो UN से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उससे आपको जल्दी जल्दी मिले और आप इससे वंचित ना रहें।
तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तीनों पॉइंट्स हैं। नोटिफिकेशन हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिए, तो जल्दी जल्दी अपने आधार केवाईसी जिनकी अपडेट नहीं है वो अपडेट करें, अदरवाइज आपको कोई भी ईपीएफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो अपने एसआईसी का कैंप लगाइए, केवाईसी कैंप लगाइए, जिनसे आपके आधार केवाईसी अपडेट हो जाए और आपका 7Q14B से आपका डैमेजेस बचे। अगर आधार केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका उसका पेनल्टी लगने वाला है। दोस्तों ये अपडेट जानकर कैसा लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।